क्या आप अपनी कार के अंजड़ पंजड़ तोड़ने के लिए किसी को पैसे दोगे? हैरान मत होना, एक समय ऐसा भी था जब लोग अपनी गाड़ियों को तोड़ने के लिए हजारों ही नहीं बल्कि लाखों डॉलर खर्च करते थे। ये बात है उस समय की जब गाड़ियों को तोड़ने के लिए प्रोफेशनल कोर्स किए जाते थे और गाड़ी तोड़ने में माहिर इंजीनियर को गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा पैसे दिए जाते थे। पर ये उल्टी गंगा बह क्यों रही थी, क्या था पूरा माजरा? लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि इंजीनियर्स गाड़ियों को तोड़ते कैसे थे और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हुए। तो सबसे पहले गाड़ियों के स्प्रिंग और सस्पेंशन को तोड़ने के लिए गाड़ियों को ऊंची नीची जगहों से दौड़ाया जाता था और अगर वो उसे झेल गई तो आग लगाकर उसे उसमें से कुदा देते थे। फिर आता था नंबर गाड़ी को पलटाके चलाने का, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी गाड़ियां नहीं टूट पाई। पहले के जमाने में कार बनाने वाली कंपनी अपने द्वारा बनाई गई कार की सेफ्टी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि उनकी गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये बताइए, भारत की सबसे अनसेफ गाड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है?